One man rose from the ashes of despair to become a legend. In a world where power is the ultimate currency, मैं इतनी दूर इसलिए नहीं आया था कि मुझे रोका जाए। लेकिन रॉकी के नए दुश्मन छाया में छिपे बैठे हैं। उसे सब कुछ छीन लो, कोई कसर मत छोड़ना। The stakes have never been higher. अब उसका शासन समाप्त हो गया है। तेरी साम्राज्य, तेरे सब कुछ सोने की चीज मैं छीन लूंगी। अब उनसे पंगा मत लेना। इस सरकार की ताकत कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मेरा। अपने कंधों पर साम्राज्य का भार और अपनी रगों में योद्धाओं का खून, हम अपनी आजादी के लिए लड़ते हैं, केजीएफ के लिए। महाकाव्य समापन के लिए तैयार हो जाओ। KGF Chapter 3, this time it's war. जल्द ही सिनेमा घरों में आ रही है। रॉकिंग स्टार यश की आने वाली मूवी KGF चैप्टर 3 को लेकर आई है बहुत ही बड़ी अपडेट। साथ ही साथ डायरेक्टर प्रशांत नील की नए यूनिवर्स को लेकर हुआ है बहुत बड़ी खुलासा। KGF चैप्टर 1 250 करोड़ और KGF चैप्टर 2 1200 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर इंडियन सिनेमा में पहली बार एक नया इतिहास बनाया था रॉकिंग स्टार यश की ये दो मूवी। उसके बाद KGF चैप्टर 3 को लेकर उनके फैंस काफी एक्साइटेड है और बहुत दिनों से उनके फैंस इस मूवी के लिए इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों फाइनली अब जाकर KGF चैप्टर 3 को लेकर एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट हुआ है। प्रशांत नील के डायरेक्शन पर बनने वाले फिल्म KGF चैप्टर 3 बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होने वाली है, जहां रॉकिंग स्टार यश और एक और सुपरस्टार इस मूवी में हमें देखने को मिलेंगे, सुपरस्टार अजीत कुमार। सुपरस्टार अजीत कुमार KGF चैप्टर 3 में एक अहम भूमिका निभाएंगे। इसके साथ ही रिपोर्टों के अनुसार बताया जा रहा है कि सुपरस्टार अजीत कुमार को लेकर डायरेक्टर प्रशांत नील दो मूवी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, यानी कि KGF चैप्टर 3 के बाद उनकी दो धमाकेदार मूवी आने वाले हैं, जहां इस मूवी को दो पार्ट में बनाया जाएगा। डायरेक्टर प्रशांत नील अपनी नई यूनिवर्स को लेकर काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, जहां कई बड़े बड़े सुपरस्टार हमें नजर आने वाले हैं, जैसे कि प्रभास, जूनियर एनटीआर, रॉकिंग स्टार यश और अब अजीत कुमार। दोस्तों प्रशांत नील की यूनिवर्स को लेकर आप लोगों का क्या ख्याल है और KGF चैप्टर 3 को लेकर आप कितने एक्साइटेड हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।